बदतमीज। तुम्हारा घर ना, कोई लड़का शादी नहीं करेगा मैं बता। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों मैं संजना हूँ, वो कन्हैया भैया हैं और ये सुनीता आंटी हैं। आंटी यहीं हमें पार्क में ही मिली हैं अभी थोड़ी देर पहले। कह रही थी कि तुमसे कुछ बात करनी है, बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं, तो हम लोग अभी आए हैं तो मुलाकात हुई है। बताओ आंटी क्या हुआ है आपके साथ, क्यों रो रहे हो आप? पहले तो ये रोना बंद करो, ठीक है? परेशानियाँ देखो सबकी लाइफ में आती हैं, हर समस्या का समाधान होता है। बताओ, कोई चीज़ बताने से समाधान होता है, उसको रोने से नहीं होता। तो जो भी आपके साथ हुआ है, नीडर देखो हम सामने कैमरा भी लगाएं, हम जो भी काम करते हैं ना कैमरा में शूट करते हैं ताकि हमारे ऊपर कोई ब्लेम ना। तो आपके पास जो भी बात है उसको बताओ, हमसे जितना हो सकता है हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। बताओ, नीडर होकर बताओ। भैया मेरी लड़की ने बहुत परेशान कर रखा है मुझे, बिल्कुल कहना नहीं मानती है, वो स्कूल से बाहर भाग जाती है, स्कूल से भाग भाग जाती है, वो झूठ बोल बोल के जाती है ना। वो कहाँ चली जाती है? गली पड़ोस वाले बताते हैं मुझे भैया, पार्क में जाती है, कहीं मॉल में जाती है, कहाँ कहाँ घूमती रहती है वो। मुझे अच्छा, तो मान लीजिए घूमना फिरना कोई गुनाह थोड़ी ना है, लड़के के साथ जाती है ना। अच्छा, लड़के के साथ जाती है वो। कितना दिन का है वो? बहुत टाइम से मेरे को, बहुत टाइम से मुझे गली पड़ोस वाले बताते थे। मेरे को तो विश्वास ही नहीं, मैं वही तो यार, मेरे को बिल्कुल विश्वास ही नहीं होता था मेरी लड़की ऐसी होगी। आपकी अपनी सगी बेटी है? नहीं, मेरे देवर नहीं, आपकी नहीं, मेरे देवर की लड़की है वो। उनकी दोनों की डेथ हो गई है भैया, मैंने उसे छोटे से पाला है। कितना दिन पहले डेथ हुआ उनकी? बहुत साल हो गए, छोटी सी थी वो। अच्छा, छोटे से। मैंने उसके पीछे अपने बच्चे भी नहीं किए, मैंने उसे अपने बच्चों की तरह पाला और वो मेरी इज्जत उछालती फिर रही है। कोई बच्चा नहीं है? मैंने किया ही नहीं भैया, उसको उसी को प्यार देने के चक्कर में कि मेरे को कहीं कमी ना पड़ जाए। अच्छा, तो अब मतलब आपको परेशान कर रही है? हाँ, क्या परेशान कर रही है? ऐसा ही है ना, एक लड़के से प्यार करती थी वो। करती थी या करती है? करती है वो, अभी भी वो लड़का मतलब उसके साथ आता जाता है, आता जाता है। उससे एक बार प्रेग्नेंट भी हो गई थी वो। मैंने उसको अबॉर्शन भी कराया। तो उसके पापा को भी समझाते नहीं हो घर पे उसको? मेरे से नहीं डरती भैया वो, थप्पड़ लगाते। उसके पापा को डर के मारे में बताती नहीं हूँ, उन्होंने तो पहले कहा था कि तू रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेती है तू इसकी। दो थप्पड़ मारते बैठ जाती घर में, लड़ती है मेरे से, मेरे को उल्टा सीधा बोलती है। पता नहीं उस लड़के ने क्या भड़काया क्या नहीं उसको, उसी के चक्कर में लगी रहती है वो। अच्छा, तो बिल्कुल उसको आप यहाँ बुलाए हो क्या? नहीं, वो उसकी स्कूल की छुट्टी होने वाली होती है ना। अच्छा, सुबह से स्कूल से जाती है, स्कूल की छुट्टी होने वाली है, मैंने उसको यहीं पे देखा वो कई बारी। इसी पार्क में? हाँ, यही पास में ही स्कूल है ना, वो इधर ही आती है। आप कंफर्म हो ना इस पार्क में आती है? देखे हो कभी? बहुत, हाँ, गली पड़ोस वालों ने भी देखा, मैंने भी देखा है उसको, उसी लड़की के साथ। उस लड़के को भी भैया मैंने बहुत समझाया। कैमरा ऑन कर लो और चलो पूरे पार्क के चक्कर लगाते हैं। टाइम हो गया ना, एक बजने वाला है, देखना। हाँ, एक बजे छुट्टी होता है उसके स्कूल का, एक बजे ही होती है सारे स्कूलों की छुट्टी। तो हम पार्क में देखते हैं, आप हमारे साथ रहो। 10-15 मिनट पहले वेट कर लो, उसके बाद एक चक्कर लगाएंगे पार्क के। अगर आंटी सही कह रही हैं तो मिलेंगी पार्क में, ऐसा ही है ना। अगर नहीं मिलेगी तब तो आंटी, मतलब एक बजे जब छुट्टी हो जाती है तो वो घर नहीं आती क्या? घर नहीं आती है वो, 2-3 बजे आती है वो। कई बार मैं नहीं आती हूँ ना उसको, तो यहीं पे बैठी भी मिलती उस लड़के के साथ। तो आपने कभी कुछ बोला नहीं है उससे आके? मैंने उसे समझाया बहुत, वो लड़का इतना बेकार बच्चा है ना वो भी, मैंने उसको कितनी बार भगाया है उसके साथ, अपने साथ लेके भी गई हूँ उसको। अच्छा, वो लड़का भी बदतमीज है? हाँ, बहुत बदतमीज है वो, आवारा किस्म का लड़का है वो। चलो तो साथ में हमारे चलो, ठीक है, देखते हैं पार्क में अगर वो मिल जाते हैं। पार्क में ढूंढते हैं, बहुत बड़ा चक्कर लगाते हैं, अगर मिल गए तो उनका हिसाब किताब करते हैं। चलो आंटी, आप भी साथ चलो हमारे। करती थी या करती है? करती है वो, करती है। अभी भी वो लड़का मतलब उसके साथ आता जाता है? आता जाता है। उससे एक बार प्रेग्नेंट भी हो गई थी वो। सेट। मैंने उसको अबॉर्शन भी कराया। तो उसके पापा को भी समझाते नहीं हो घर पे उसको? मेरे से नहीं डरती भैया वो, थप्पड़ लगाते। उसके पापा को डर के मारे में बताती नहीं हूँ, उन्होंने तो पहले कहा था कि तू रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेती है तू इसकी।
दो थप्पड़ मारते बैठ जाती घर में। लड़ती है मेरे से, मेरे को उल्टा सीधा बोलती है, पता नहीं उस लड़के ने क्या भड़काया क्या नहीं उसको, उसी के चक्कर में लगी रहती है वो। अच्छा तो मेरा बिल्कुल नहीं सुनती। उसको आप यहाँ बुलाए हो क्या अभी? नहीं, वो उसकी स्कूल की छुट्टी होने वाली होती है ना। अच्छा। सुबह से स्कूल से जाती है, स्कूल की छुट्टी होने वाली है, मैंने उसको यहीं पे देखा वो कई बारी। इसी पार्क में? हाँ, यही पास में ही स्कूल है ना, वो इधर ही आती है। आप कंफर्म हो ना इस पार्क में आती है? देखे हो कभी? बहुत, हाँ, गली पड़ोस वालों ने भी देखा, मैंने भी देखा है उसको, उसी लड़की के साथ। उस लड़के को भी भैया मैंने बहुत समझाया। कैमरा ऑन कर लो और चलो पूरे पार्क की चक्कर लगाते हैं। टाइम हो गया ना, 1 बजने वाला है, देखना। हाँ, 1 बजे छुट्टी होता है उसके स्कूल का। 1 बजे ही होती है सारे स्कूलों की छुट्टी, तो हम पार्क में देखते हैं, आप हमारे साथ रहो। 10-15 मिनट पहले वेट कर लो, उसके बाद एक चक्कर लगाएंगे पार्क के। अगर आंटी सही कह रही है तो मिलेंगी पार्क में, ऐसा ही है ना। अगर नहीं मिलेगी तब तो आंटी, मतलब 1 बजे जब छुट्टी हो जाती है तो वो घर नहीं आती क्या? घर नहीं आती है वो, 2-3 बजे आती है वो। कई बार मैं देखने आती हूँ ना उसको, तो यहीं पे बैठी भी मिलती है उस लड़के के साथ। तो आपने कभी कुछ बोला नहीं है उससे आके? मैंने उसे समझाया बहुत, वो लड़का इतना बेकार बच्चा है ना, वो भी मैंने उसको कितनी बार भगाया है उसके साथ, अपने साथ लेके भी गई उसको। अच्छा, वो लड़का भी बदतमीज है? हाँ, बहुत बदतमीज है वो, आवारा किस्म का लड़का है वो। चलो तो साथ में हमारे चलो, ठीक है, देखते हैं पार्क में अगर वो मिल जाते हैं। पार्क में ढूंढते हैं, बहुत बड़ा है, क्योंकि पार्क टाइम लग रहा है, तो उनका हिसाब किताब करते हैं। चलो आंटी, आप भी साथ चलो हमारे। A few moments later. यही है क्या आंटी जो बैठे हुए हैं? हाँ, देखो भैया, ये हाँ यही तो है, यही तो लड़का है वो। अरे लड़की, मुझे तो लग रहा है स्कूल ही नहीं गई है, मुझे ऐसा लग रहा है स्कूल ही नहीं गई है। अल्लाह की काफी देर से बैठे हुए हैं, देखा नहीं उसको। सारे पार्क में ढूंढने के बाद तो यही मिले हैं बैठे हुए, वही तो। अरे हर जब भी ये तो रोज का काम है इनका, कहीं ना कहीं आराम से बोलो उनको सुन लेंगे। पहले आप जाओ उन लोगों से बातें करो। हाँ। और कोशिश करो कि वो जितना बात बोलती है, जो भी घर पे मतलब आपसे बात करती है, बदतमीजी करती हो यहाँ पे, करे ऐसे ऐसे बात आप बोलना, ताकि उसका हम असलियत जो है सो कैमरा रिकॉर्ड कर सके, रिकॉर्ड कर सके, ताकि आपके पास भी प्रूफ हो जाएगा, हमारे पास भी है। ये तो है ही बदतमीज, देखना। आप जाओ उन लोगों के पास, उनको समझाओ, अगर वो समझ जाते हैं तो फिर चलो। चलो बदतमीज, तेरे को स्कूल जाती है ना तू, तेरे को कितनी बार मना कर इस लड़के के साथ में, मैंने मना करा है ना। क्या हो गया आंटी, क्यों गुस्सा कर रही हो? तेरे को तुम्हें पता है ना सब, क्यों आते हो हमारे बीच में? क्यों हमारे बीच में हमेशा ही पढ़ते रहते हम दोनों? पढ़ाई तो कर रही है, तूने क्यों बदनामी कर रखी है सारे गली मोहल्ले में? प्यार करती हूँ, फिर आप बीच में आ रहे हो। अभी तो आपको पता नहीं है, इतने टाइम से आपको सब पता है ना हमारे बारे में। फालतू में आते हो, जब बीच मत आ करो आंटी, आप तो बार बार बोल रही है। तू अपना काम कर, मैं
आपको पता है ना हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर भी प्यार करते हैं ना, तो ये करते शादी तो नहीं कर रहा ना, अपनी मर्जी से कर सकती हूँ मैं शादी, आपने भी तो लव मैरिज करी, मैंने क्या ख्याल रखा तेरा, पढ़ाई का टाइम है तो पढ़ाई कर, अपनी भाई अपनी पढ़ाई कर, समझ में आ रही है ना, मेरा ये बताओ, मैंने बोला इसको पढ़ने दे भाई, तू कुछ पढ़ने दे इसको, मुझे टाइम दो, शादी कर लूंगा, क्या दिक्कत आ रही है आंटी, आपको पता है हमारे बारे में, मैं काम करूंगा अपना, सेटल हो जाऊंगा, कर लूंगा शादी, तो जब करेगा ना, जब करेगी, यहाँ बैठने से क्या फायदा, मैं सब जगह बताना, आगे की बात मत करो, पीछे की बात करो, ठीक है, तू इतनी नहीं, तू इतनी बदतमीजी इस लड़के के साथ जा रही है ना, है ना, क्या कर रहे हैं आपको, बदतमीजी है, सुनो, प्यार करती हूं मैं उससे, आप हमेशा ही लड़के, हर बार या तो बीच में डाल रहा हूं, कहीं जाओ कुछ करो, जब भी तू चली आके चढ़ गई, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं आऊंगी, तू चली आके जाएगा, तू आ रहा है पढ़ाई करने पे, इसको समझ में आ गई ना, जब इसका टाइम आएगा ना, मुझे सब पता है, जब टाइम आएगा ना, जब भी करना चाहिए ना, 18 साल की हो गई, आपने भी तो लव मैरिज करी है ना, मैंने लव मैरिज करी ना, तो तुम्हारी तरह नहीं करे, अगर इसने करना तो नहीं, आप बीच में आते हो, हमेशा बीच में आते हो, आपको पता है, मैंने तो छोटे से बालक को जरा शर्म नहीं है, आप बीच में मत आओ, बस सब साइड हो जाओ, ठीक है, हमारे तेरे को जरा भी शर्म नहीं, इस लड़के से कैसे मैंने बचाया तेरे बाप के लिए, है हमेशा बीच में आओगे हमारे, आप इसकी मान नहीं हो तो माँ वाला हक मत जताओ, माँ नहीं हो ना, माँ से बढ़कर प्यार दिया है मैंने इसको, बहुत प्यार दिया मुझे मालूम है, बहुत प्यार दिया है, तू जा यहाँ से, चलते टॉर्चर करके, मैं इसको पूछना क्या कहती हूँ, बात बात करने देते तो उसकी उसकी लाइफ के लिए ना, उसकी लाइफ की लाइफ क्या कर रही है, अपने आप को देख, मुझे मत बोल, बड़ी हो चुकी हूँ तुमसे, ठीक है, लाइफ के लिए वो है, समझदार हो चुकी हूँ, तू नहीं बोलेगी अभी, जो हमें पता है, हमें पता है, तू मेरी लाइफ में समझ आ गई, मैं कुछ भी करूँ, उससे शादी करूँ चाहे नहीं करूँ, इस लड़के ने तो प्रेग्नेंट होऊंगी मैं, कहीं भी जाऊंगी, बीच में नहीं आएगी, शर्म नहीं आ रही आपको, ये बोलते हैं शर्म नहीं आ रही, तेरे को करते शर्म नहीं आई, बीच में बोलने की, मैंने बोल दिया, मैं तुमसे ज्यादा इससे प्यार करती हूँ, समझ आई आपको, इस लड़के ने प्रेग्नेंट किया था ना, ऐसे होती है, ऐसे होती है, बात मत कर, समझ रही हो, बहुत बदतमीजी कर रही हो, तू की बात मत कर, ये कोई बात होती देखा है? इसकी तमीज देख ली ना, कैसा लड़का, इसी लड़के की सहमत में, नहीं इसी की संगत में तू आके ऐसे कर रही है, बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है, आप तो प्यार यहाँ नहीं, कुछ भी कर लो, हम नहीं होने वाले, गली मोहल्ले में बदनामी कर रखी है, नहीं होने वाले, तू हाथ हाथ कैसे लगा रहा तू, है हाथ क्यों लगा रहा तू, मुझे हाथ क्यों हाथ लगा रहे हो, उसके सामने आने की जरूरत नहीं, पीछे में जाइए, आप समझ आ गई है, अब तेरे पापा को बता, अब तेरे पापा को बता नहीं पड़ेगा मुझे, अब तेरे पापा को ही बताऊंगी मैं, तू मेरे से नहीं सुन रहा, प्यार करता हूँ, ठीक है, ये आपको भी पता है, आपको सारी चीज खुली हुई है, ये आंसू आंसू मत दिखाओ, रोके मत दिखाओ, मैं रो या जो मर्जी करे, ठीक है, मैं इसको तभी छोड़ा, आप भी नहीं छोड़ोगे, अकेली मां है ये, मेरी मां है ही नहीं, वो तो है, तेरे को प्यार तो मैंने बढ़ के किया था ना, माँ से भी तेरे पापा मर गए थे, मेरे प्यार का तूने ये सिला दिया ना, करते हो, ठीक है, आप अपनी बेटी होती ना, आप ऐसे नहीं करते, शादी भी करेंगे, शादी भी करेंगे, साथ भी रहेंगे, तू बीच में आके बोलेगी नहीं, ठीक है ना, ये ब्लैकमेलिंग छोड़ दे, रोने धोने की छोड़ दो आंटी, छोड़ दो, जिसको जो चाहे करना है कर लो, जिससे चाहे बोलना है बोल दो, हम नहीं पीछे हटने वाले, सुन मेरी बात, तुझे जब पता था मैं प्रेग्नेंट हुई थी उस टाइम पे, गली मोहल्ले में सबको पता लग गया था, अबॉर्शन कराने गई थी ना कि छोटी थी इसलिए, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ ना, अब तो तुझे मेरी से शादी करानी ही पड़ेगी, तू तो पहले क्यों नहीं कर रहा है, इसकी शादी तो नहीं कराओगे, मेरे प्यार किया ना, मैंने तेरे पीछे अपने बच्चा भी नहीं करा, कोई तेरे अपने बच्चा समझा, मैंने नहीं करा तो क्या हो गया, दूसरा रख लूंगी, फिर भी तो कराना पड़ेगा, गलत शिक्षा मिल रही है ना, क्या तेरा तेरे को है, समझाता देख लेना, बहुत बुरा होगा, सुन जा, बैग छोटा है, कौन है ये आंटी, कौन किसकी आंटी है, की माँ लगती है, तेरी कौन है, आराम से रह, तेरा ये जबड़ा है तोड़ देगा, मैं भूल जाऊंगा, मैं जाऊंगा, तू लड़की है, मैडम मैं कह रहा हूँ आराम से रह, उसकी कौन लगती है, की माँ, तेरी कौन लगती है, आंटी है वो, तेरी आंटी है वो, आंटी से इसी तरह बात किया जाता है, तू अपने घर में आंटी से इसी तरह बात करता है, ऐसे बात करते हैं अपनी माँ से, क्या पता है, सब पता है, सब पता है।
सब पता है हमें, तू उससे प्यार करता है, लेडी है ना, तो तू चल हमारे साथ एग्रीमेंट पे शादी साइन करेगा ना। अरे हम कुछ भी होते हैं, हमारी बहन है वो। हाँ हमारी बहन है, बेटी है तुम्हारी? हाँ हमारी बेटी है। और बता, हर दुनिया की हर लड़की, दुनिया की हर लड़की हमारी बहन और हमारी माँ है। देख लिया, हर लड़की हमारी बहन और माँ है। तेरे जैसे के ना दो मिनट में जबड़ा तोड़ने आता है हमें, समझ रहा है ना? देख लिया, समझ। जब तू इधर इधर आ, तू यहाँ बैठ, यहाँ बैठ, आराम से बैठ, तू यहाँ बैठ, तू बैठ, यहाँ बैठ, पहले यहाँ बैठ, प्यार कर दिए। ये असलियत तो तुम्हारी, आराम से बैठ, बोल रहा हूँ ना, तो दबा दू तेरी गुंडे लेके आई हो, गुंडे, तेरी टैटुआ दो मिनट में दबा दूंगा। तू प्यार कर दिए इसे, सन प्यार कर दे इसे, शादी करेगी, शादी करेगा तू? शादी नहीं करूंगा मैं, लेकिन मुझे अभी टाइम चाहिए। ले, बहुत प्यार करती है ना, प्यार करती है ना, कर लूंगा। मुझे, मैंने क्या बोला, मुझे टाइम चाहिए, तुम जा। अरे मजे लेता है, मजे लेता है, मजा उड़ाता है ये, शादी नहीं करेगा ये। भाई जानते नहीं हो तुम मुझे, क्या करेगा बात, मैं शादी करूंगा उससे, करेगा तो कर ना, चल क्या था? तो एक काम कर, सुन, मैं एक साल के अंदर शादी कर लूंगा, स्कूल पास होते मेरे नहीं हुआ ना, स्कूल पास होते मेरा काम सेटल नहीं हुआ, नहीं हुआ यार, वाला मैं पास कैसे उठा के लेके जाऊं अपने घर? क्या है मेरे पास? पास होने वाले तो लक्षण है नहीं तेरा, जो तू पास हो जाएगी, ऐसा आवारा गर्दी करती फिरेगी तो तू पास हो रही है। आवारा गर्दी नहीं करता मैं, क्या कर रही है? देख क्या है बेटा, क्या कर रही है? प्यार कर बेटा, देख सबका एक उम्र होता है, सुन मेरी बात सुन। भाई दो कपल बैठ नहीं सकते क्या पार्क में, ये बताओ? स्कूल बंक कर, अच्छी तरह से बैठ सकता है? छुट्टी होके आई है, एक नंबर बैठ। स्कूल गई ही नहीं थी, हम उसके स्कूल गए थे उसका अटेंडेंस देखने के लिए, गई थी स्कूल, गई ही नहीं है ये, पता तो होगा तेरे को, होगी तो। तू बहला फुसला का सुबह से यहाँ बैठा रखा है, वो धोखा दे रही है अपनी माँ को। फुसलाता ना तो कमरे में लेके जाता, पार्क में लेके नहीं बैठता, बिना कमरे पे ले जाए हुए कैसे प्रेक में? यार क्या करना है तेरे को, कोई बात क्या करना है? अरे हम तेरे को बता रहा हूँ ना, दो मिनट बोल लो, अरे समझ में नहीं आ रही, तू मानेगा नहीं? तू नहीं मानेगा? नहीं मानूंगा मैं, मानेगा नहीं मानूंगा, दबा दूंगा यहीं पे, यहीं दबा दूंगा, पेट का तेरा यही दबा दूंगा, दो मिनट मैं बोल रहा हूँ, यही दबा दूंगा तेरी, यही टेट हुआ दबा दूंगा तेरी, तू जानता नहीं अभी हमें, मैंने बोला मैं उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत खतरनाक आदमी भी हूँ, ये है ना, दो मिनट में दबा दूंगा, खत्म कर दूंगा यहीं पे। भाई अच्छा नहीं कर रहा तू, अच्छा नहीं कर रहा हूँ, कैसे अच्छा होता है बताना, कैसे अच्छा होता है बताना, कैसे कैसे अच्छा होता है? आंटी को सब पता है, आंटी को पता है, इसलिए तू उसको लात मार रहा है, आंटी को धक्का दे रहा है, तेरी माँ होती तो ऐसा करता? करते क्या? मेरी माँ कुछ बोलती है इससे? नहीं बोलती, उसको मालूम है, ये करती है, तू उसको बर्बाद कर रहा है, बता रखा है, बर्बाद कर रहा है उसको, उसकी लाइफ में तू दखलंदाजी कर रहा है, ये कर रही है, तू कर रहा है, उसकी बेटी होती ये तरह करती इसके साथ? अरे फ्रीडम देती नहीं देती, उसके लिए अपना औलाद पैदा नहीं की हो, ये भी तो सोचता तू, कितनी फ्रीडम ये है, बेवकूफ तो समझती नहीं है, उसके लिए वो अपना औलाद पैदा नहीं की, तू कह रहा है कि उसका केयर नहीं करते हो, औलाद पैदा करी नहीं करी है, क्या इनके चक्कर में पड़ ले आप? अरे उनके चक्कर में हम 24 घंटा रहेंगे, या तो तू सुधर जा नहीं तो इनके रास्ता छोड़। आप मेरे से शादी करेंगे या नहीं करेंगे? मैं शादी करूंगा, मुझे कितने टाइम से बात हो रही है, दो साल से बात हो रही है, प्रेग्नेंट हुई, अब यार समझ में नहीं आ रहा, मेरे को टाइम चाहिए, इतनी मेरी मम्मी से बहस हो रही है, इन लोगों से बहस हो रही है, किस बात की हो रही है तेरी वजह से? क्या मतलब है, तू शादी करनी है नहीं करनी है? हाथ चलाएगी आज मेरे से, हाथ नहीं चला रही है, शादी तेरे को दिख नहीं रहा मैं क्या हूं क्या नहीं, के लिए कितना टाइम चाहिए, मुझे टाइम चाहिए, इनको बता कितना टाइम चाहिए, मैं शादी करूंगा ना, तेरे से बोला ना शादी, कितना टाइम चाहिए शादी? अरे पप्पू तो बता कितना चाहिए, टाइम चाहिए, नौकरी कब तक मिलेगी, थोड़ा और टाइम दे दे बस, कब तक पैसे कमाना सीखेगा, थोड़ा और टाइम बता मुझे, मेरे हाथ मत लगा, तुझे टाइम, तुझे टाइम चाहिए ना, कितना टाइम चाहिए, थोड़ा बहुत टाइम, कितना मतलब, दो साल, चार साल, दस साल, बीस साल, कितना टाइम चाहिए ये मुझे नहीं पता, जब तक सुनो एक मिनट, दस मिनट बेटा, तुम्हें जितना दिन समय चाहिए ले लो, लेकिन तब तक तुम इससे मिलोगे नहीं, जब तक सुनो मेरी बात सुनो, इसको जितना टाइम चाहिए उतना दे दो, लेकिन तब तक ये इससे मिलेगा नहीं, नहीं कभी उसको, नहीं कभी उसको पार्क में लेकर आओगे, या नहीं स्कूल में जाके उसको बुला कर लाओगे, शादी करनी है डायरेक्ट शादी करना, शादी करूंगा मैं, शादी करना है तो उससे शादी कर, टाइम बिल्कुल नहीं होता है, कैसे नहीं होता है, प्यार करते समय सोचा नहीं था, प्यार करते समय नहीं सोचा था, टाइम बता कब तक शादी करेगा, शादी कर लूंगा, मेरे साथ टाइम हो गया, मैं अपने घर में, अरे यार शादी कर लूंगा मैं, क्या है, क्यों नहीं करेगा, कब तक करेगा, सही है ऐसे ही बोल रहे हैं, तेरे से ना कोई लड़का शादी नहीं करेगा, मैं बता रहा हूँ, मैं तेरे से मजे ले रहा था, मजे ले रहा था बस, खुश खुश है, तू क्या अच्छा लगा, परेशान हो गई मैं तेरे को लेके, यार तू क्यों कमी ना कहेगी, जिंदगी साथ खेला तूने मेरी, मेरी बात सुन, अच्छी बात है, तू इंसान होगा ना, इंसान सुन मेरी बात सुन,
अगर इंसान होगा ना तो इसमें डूब के मर जाएगा तू। तेरी बीबी है ना, वो होने वाली बीबी है ना, तुझे थप्पड़ मार रही है अभी भी। अगर शर्म नाम की चीज है ना तो जा उसके, तुझे पैसा नहीं है मैं दूंगा शादी करने के लिए, मंदिर में कर, जहाँ जैसे करना वैसे कर, लेकिन कर उसे। प्रॉब्लम क्या है, कितनी देर लगेगी शादी में? मुझे कुछ टाइम दे दो, थोड़ा बहुत टाइम दे दो, मैं कर लूंगा। अरे नहीं करेगा ना, मैं कर लूंगा भाई। ये बेवकूफ बना रहा है, करेगा नहीं। क्यों चढ़ा रहे हो यार, चढ़ा रहे हैं आज तक, चढ़ा रहे हैं। नहीं करूंगा अभी, बोला यार मेरा दिमाग खराब हो गया। बोला ना मैंने रुपया भी, क्या बोलता मैं बता, तू यूज़ कर रहा मतलब मेरा, कह रहा हूं तेरे से शादी यूज़ कर रहा मतलब मेरा, तुझे मैंने छोड़ा, यूज़ कर रहा मेरा तेरे साथ, इतना सब हुआ मेरे, शादी कब करेगा मैं, आज शादी कर चल। मैं यार इस बात का कब करेगा शादी, कुछ टाइम दे दे, कितना टाइम, दो साल हो गए, थोड़ा सा दो साल और देते, नहीं मेरी जिंदगी खराब हो रही है, नहीं ए मानेगा नहीं इसको, ले चलो भाई दोनों को ले चलो। अरे फिर आराम से, ताकत मत दिखाना, तो लगा दूंगा अंदर एक दबा के, दोनों को ले चलो। आंटी आप भी चलो, तेरे बाप से बात करूंगा बेटा, और तेरी असलियत दिखाऊंगा। और देखो वहाँ कैमरा सारा तेरा नौटंकी है ना, सब शूट करके रखा हूँ, सारा रिकॉर्ड है हमारे पास। अब देखता हूँ तू कैसे नहीं शादी करेगा, थाना पे, घर पे, जहाँ कहेगा वहाँ ये सबूत दिखाऊंगा तुझे।